फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए वाटर कलर लैंडस्केप की एक न्यू वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैंने एक लैंडस्केप बनाया है जो कि मोनोक्रोम में है। बहुत सारे लोग को मोनोक्रोम नहीं पता होगा कि क्या होता है। मोनोक्रोम मीन्स आप एक ही कलर के लाइट एंड डार्क कलर के शेड्स होते हैं, बट इसमें मैंने फ्रेंच अल्ट्रा मरीन इन पर्सन ब्लू कलर का यूज किया है। अभी मैंने स्काई का पार्ट बनाया है जिसमें मैंने ग्रेडिएशन वॉश दिया है, तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके यूज कर रहा हूँ। और अभी मैंने फ्लैट ब्रश का यूज किया है जिससे कि स्काई वाला पार्ट एकदम आराम से आसानी से वो चीज़ बन सके, जिससे कि उसमें पैच ना आए। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके मिक्स कर रहा हूँ। और आपको एक ही बार में उस चीज़ को कंप्लीट करना है, एक ही जगह बार बार ब्रश को नहीं लगाना जिससे कि सीट के फाइबर ना निकले। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके ब्रश को चला रहा हूँ। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आप लोग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी कुछ लोगों को किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है वाटर कलर से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड होप आशा करता हूँ मैं आगे आप लोग के लिए कुछ और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा वाटर कलर टेक्निक से रिलेटेड। तो अभी मैं थोड़ा सा क्लाउड वाला पार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अल्ट्रा मरीन एंड पर्सन ब्लू लिया है। तो आपको कुछ लोग क्या होता है कि सीट पे ब्रश को बस चलाते रहते हैं, उससे क्या होता है कि वो पैच भी क्रिएट होता है एंड उससे सीट्स के फाइबर निकलते रहते हैं। तो आपको क्लाउड्स में खासकर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक बार पैच लगा दिया है तो उसको थोड़ा सा बस करके छोड़ दो, बार बार उसके पीछे पड़ेंगे तो क्या होता है कि वो चीज़ धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो आप देख सकते हो मैंने क्लाउड वाले पार्ट में बस एक पैच लगा के छोड़ दिया एंड वो अपने आप स्प्रेड होगा, हमें ज़रूरत नहीं उसको स्प्रेड मतलब अपने आप खुद फैलाने की। तो अभी वैसे मैं माउंटेन्स वाला पार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैंने पर्सन ब्लू कलर लिया है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मोनोक्रोम में कर रहा हूँ तो एक ही शेड्स में पूरा कलर्स में मुझे पूरी पेंटिंग बनानी है। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्या किस तरीके। एंड अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में कुछ ट्रीज़ बना रहा हूँ, अभी तो आपको डार्क लग रहा होगा बट ड्राई हो जाने के बाद ये थोड़ा सा डल हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम कितना पानी लें या कितना कलर लें कि वो डार्क हो जाए ड्राई होने के बाद वो चीज़ अच्छे से दिखे, तो ये आपके एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। ऐसा कोई वो नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई पानी का तो वो कितना भी फैल सकता है एंड ड्राई होने का। तो ये है कि आप प्रैक्टिस करो एंड आप खुद देख सकते हो कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हो, तो वो आप सुधार सकते हो अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके ब्रश चला रहा हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जैसे कि आप थोड़ा सा बोर मत हो एंड इन्जॉय कर सको उस चीज़ को। तो आप देख सकते हो मैं ट्रीज किस तरीके बना रहा हूँ, बस रख रहा हूँ एंड अपने आप वो स्प्रेड हो रहा है ट्री के शेप्स में। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना कि कुछ आप नया बनाओ। मैं पाम ट्री बनाऊँ थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में, तो आप देख सकते हो किस तरीके। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है एंड थोड़ा सा ब्लर वाला फील है, इससे कि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो सके। एंड मैं थोड़ा चाइनीज ब्रश लेकर के ट्रीज़ बना रहा हूँ, इसमें मैंने पर्सन ब्लू कलर का यूज किया है और इसमें पानी कम रखा है। अगर ज़्यादा पानी होता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाती है वो चीज़। तो आप देख सकते हो किस तरीके मैंने स्ट्रोक्स एंड बस एक पैच डाला जिससे कि फील आ सके कि वो ट्रीज़ हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, अगर आपने कभी ट्रीज ऐसे इस तरीके नहीं बनाया तो आप पहले रफ में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद अपनी फाइनल पेंटिंग में उस चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि वेट ऑन वेट में ट्रीज बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये है कि आप पहले रफ में ट्राई कर लो देन उसके बाद आप बनाओ। एंड कुछ छोटे ट्रीज बनाए जैसे कि डिस्टेंस थोड़ी क्रिएट हो सके, आप देख सकते हो कि किस तरीके। एंड पानी मैंने कम लिया जिससे कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, नहीं तो वो चीज़ ख़राब लगेगी देखने में। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जैसे कि आपकी पेंटिंग अच्छी हो सके, तो ये आपको ध्यान में रखनी होंगी कुछ चीज़ें। एंड अभी मैं फोरग्राउंड वाला पार्ट बना रहा हूँ एंड जैसे कि खेत होते हैं बीच बीच में पानी भरा होता है, तो मैं उस
तरीके उस चीज़ को बना रहा हूँ। अभी मैंने कलर्स को बहुत ही लाइट यूज किया है पानी के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइट करने के लिए कलर को वाइट यूज करते हैं, तो वो सही मेथड नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले लाइट कलर लगा के देन फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए ट्रीज़ का थोड़ा डार्क कलर यूज किया हुआ है। आपको बिना डरे उस स्ट्रोक को लगाना है, डर के काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप फाइनल वर्क कर रहे हो तो उस चीज़ को पहले रफ में ट्राई करो, देन उसके बाद बनाओ। एंड एक चीज़ और, जैसे कभी कभी कुछ कलर्स हम बनाते लगता है डायरेक्टली कि लगाने डरते हैं, तो आप एक रफ शीट रख लो, उसमें आप थोड़ा ट्राई करो, लगता है कि वो सही, तब उसके बाद आप फाइनल शीट पर उस चीज़ को लगाओ। एंड अभी कुछ मैं स्ट्रोक्स में उसका फील ले रहा हूँ, आप देख सकते हो कि किस तरीके में लगा रहा हूँ। एंड धीरे धीरे उसमें डेप्थ क्रिएट होगी। एंड जो खेतों में डिवाइडेशन होता है उस चीज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग उस तरीके से, तो आप देख सकते हो। एंड जो ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन है उसको मैं 90 एंगल में रिफ्लेक्ट करने के लिए स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। एंड जो पाम ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन कैसे आएगी उस चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। एक बार जो भी करना है, और ख़ासकर रिफ्लेक्शन में जो भी आपको काम करना है वो एक बार में करना है, बार बार उसमें करोगे हार्ड हो जाएगी, जिससे कि वो थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। एंड वही चीज़ मैं स्टार्टिंग पहली वीडियोस जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाई सब में बोलता हूँ, ये सारा सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने वीडियो देखी तो एकदम ऐसा ही बन जाएगा, बट आप कितना काम करते हो रेगुलर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं बस यही सलाह देता हूँ कि आप रेगुलर काम करो वाटर कलर में, क्योंकि एक ऐसा मीडियम इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गलती अगर होगी तो उसको हम सुधारना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप उसको करो कैसा ही बन रहा है, बट प्रैक्टिस ज़रूर करो रेगुलर, कुछ ना कुछ छोटा छोटा स्केच ज़रूर बनाओ आप उसमें। एंड जिन लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ये भी पेंटिंग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके बना रहा हूँ रिफ्लेक्शन। एंड हल्की आँख करके आप देखोगे तो आपको फील दिखेगा थोड़ा पानी में हल्के सॉफ्टनेस। अभी और डिटेल करूँगा तो वो चीज़ आपको और समझ में आ जाएगी। एंड कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा डार्क करूँ, जिससे कि वो रिफ्लेक्शन वाला फील आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा देखने में। एंड अभी जहाँ जहाँ थोड़ा मुझे डिटेल वाला पार्ट दिखाएं, तो वहाँ मैं डायरेक्टली पर्सन ब्लू कलर लेके स्ट्रोक से लगा रहा हूँ, जिससे कि और थोड़ा 3D फील, मतलब मीन्स थोड़ा सा और एक पेंटिंग में एक और जान आ सके अच्छे से। तो आप देख सकते हो किस तरीके, जहाँ जहाँ मुझे लगता है नीड है उस जगह मैं डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा पेंटिंग बनाने का यही मकसद है कि मोनोक्रोमियम काम कैसे करें, यानी किसी कलर के एक ही कलर के लाइट एंड डार्क शेड से। तो आप देख सकते हो पूरी पेंटिंग मैंने ब्लू कलर को लेके ही बनाई है, ब्लू के ही लाइट डार्क शेड हैं, अल्ट्रामरीन ब्लू एंड पर्सन ब्लू यूज किया है, वो आपको दिख रहा होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा डिटेल छुप गई है, तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पाम ट्रीज का रिफ्लेक्शन है पानी में, तो आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।